दोस्तों टाटा स्टील टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, लेकिन इसे सिर्फ एक कंपनी कहना एक भूल होगी। पिछले 115 साल से ये इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी रही है दोस्तों। ये वो इंजन है जिसने बहुत वक्त तक भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाया है, और आज भी चाहे वो अपने प्रोडक्शन के कारण या फिर हर साल पैदा करने वाले रोजगार के कारण, ये कंपनी इंडिया की GDP में एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करती है दोस्तों। कभी इस कंपनी को बचाने के लिए टाटा ने अपने घर के गहने तक बेच दिए थे, लेकिन अपने वर्कर्स पर आंच भी नहीं आने दी थी, जिस वजह से 1929 में आर्थिक मंदी के दौरान भी टाटा स्टील ने एक भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया, और आज तक भी इस कंपनी में एक भी लेबर स्ट्राइक नहीं हुई है। लेकिन इस कंपनी को खड़ा करने की कहानी इतनी भी आसान नहीं रही है। क्या क्या संघर्ष इसके पीछे शामिल थे और कैसे भारत की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज में से एक बनी, आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। ये बात 1880 के दशक की है, जब जमशेद जी टाटा अपने टेक्सटाइल बिजनेस को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में घूमकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुई नई एडवांसमेंट्स के बारे में जान रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने इंग्लैंड में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन का लेक्चर सुना। इस लेक्चर में बताया गया था कि एक देश जो अपने लोहे की कीमत समझ जाएगा, वो उस लोहे की कीमत एक दिन सोने में वसूलेगा। जमशेद जी टाटा इस लेक्चर से इतना इम्प्रेस हुए कि भारत आकर उन्होंने फैसला किया कि वो भारत को इस सेक्टर में लेकर जाएंगे, और अपनी मौत तक वो इसी काम में जुटे रहे। पर इस कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय दुनिया में क्या चल रहा था। 1860 के दशक में अंग्रेज भारत में रेलवे की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन रेलवे ट्रैक्स उस वक्त कास्ट आयरन से बनाए जाते थे, जिसके साथ कई परेशानियां थी। कास्ट आयरन की पटरियां ज्यादा वजन नहीं उठा पाती थी, और साथ ही उसमें जल्दी जंग लग जाता था, जिस वजह से इसे मेंटेन करना भी काफी मुश्किल और खर्चीला था। लेकिन परेशानी ये थी कि उस वक्त स्टील बहुत ज्यादा महंगा था, और स्टील का इस्तेमाल पटरियां बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था। 1856 में हेनरी बेसेबर नाम के इंजीनियर ने स्टील प्रोडक्शन के लिए एक नई टेक्निक खोज निकाली, जिससे स्टील प्रोडक्शन का दाम आधा हो गया, और फिर ये और गिरता हुआ अगले कुछ सालों में सिर्फ 10% ही रह गया। यानी जहाँ पहले एक टन स्टील को बनाने की कीमत 82 पाउंड थी, वो गिरकर सिर्फ 7 से 8 पाउंड हो गई, और इसने औद्योगिक क्रांति को एक बूस्ट दिया। स्टील का इस्तेमाल रेलवेज में होने लगा और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया। जमशेद जी को अब इसी बिजनेस को भारत में सेटअप करना था, और इसके लिए उन्होंने अपने खगोल शास्त्रियों को भारत में एक लोहे की खदान खोजने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि स्टील ही भारत का भविष्य बनाएगा। जमशेद जी टाटा और उनकी टीम ने अगले 17 साल तक ऐसी खदानों का निरीक्षण किया और वहां से सैंपल इकट्ठा किए, और आखिर में उन्हें 1899 में साक्षी के एक छोटे गांव के पास 300 करोड़ टन की कैपेसिटी की खदान मिली। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जगह रेलवे स्टेशन से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था। अपने सपने को पूरा करने से पहले ही 1904 में जमशेद जी टाटा गुजर गए, और इस बिजनेस की कमान उनके बेटे दुराबजी टाटा के पास आई। दुराबजी टाटा ने 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत की, और इसके लिए फंड्स जुटाने के बाद 1912 में पहली खुदाइयां चालू हुई। ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। ये वो वक्त था जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, और वो किसी भी भारतीय कंपनी को सक्सेसफुल होता नहीं देख सकते थे। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों को रेलवे की ज्यादा जरूरत थी, और बाकी देशों से स्टील इम्पोर्ट करना उन्हें महंगा पड़ रहा था, इसलिए अंग्रेजों ने टाटा को स्टील प्लांट लगाने से नहीं रोका। साथ ही 1914 में पहला विश्व युद्ध भी छिड़ गया था, और इसमें ये स्टील अंग्रेजों के बहुत काम आया। इसी वजह से कंपनी अपने शुरुआती दिनों में बिना अंग्रेजों की रोक टोक के अपना काम करने में कामयाब हुई। टाटा स्टील भारत में स्टील की अकेली सप्लायर बन गई, और जंग के दौरान इन्होंने 3 लाख टन स्टील मुहैया करवाया, और इसके साथ ही हजारों भारतीयों को रोजगार भी मिला। लेकिन जंग जैसी खत्म हुई, एक और परेशानी आ गई। दुनिया भर में स्टील की डिमांड घट गई, और स्टील ही क्यों, दुनिया में कई सारी इंडस्ट्रीज की डिमांड घट गई, और बहुत से लोग जो जंग के दौरान खूब सारा पैसा कमा चुके थे, उन्होंने अपने वर्कर्स निकालना शुरू कर दिया और अपनी कंपनियां बेच दी ताकि वो चैन से रिटायर हो सके। फिर 1929 में दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आ गया, जो 20वीं सदी की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी थी, जिसमें दुनिया भर के वर्कर्स की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और कई लेबर स्ट्राइक्स होने लगी। ये थी दुनिया की बात, लेकिन भारत में क्या हो रहा था? भारत में टाटा थे, और आप सभी जानते हैं कि टाटा ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इसलिए उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी अपने कर्मचारियों का साथ नहीं छोड़ा और एक भी वर्कर को काम से नहीं निकाला। दोस्तों, इन वर्कर्स की सैलरी देने के लिए दुराबजी टाटा ने अपने खुद के पैसों का इस्तेमाल किया, कई प्रॉपर्टी समेत घर के गहरे तक गिरवी रख दिए।
इस पैसे से न सिर्फ उन्होंने वर्कर्स को सैलरी दी पर उन वर्कर्स के परिवारों के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटीज और किसी दुर्घटना में मुआवजा देने के लिए सुरक्षा स्कीम भी लॉन्च की। और ये सब उन्होंने तब किया जब टाटा स्टील लॉस में चल रही थी और उनके रेगुलर कस्टमर जापान ने अपने देश में आए एक भीषण भूकंप के कारण स्टील लेना भी बंद कर दिया था। इस तरह उन्होंने अपने 55,000 कर्मचारियों की जिंदगी पर कोई आंच नहीं आने दी। दोस्तों, कई लोग टाटा पर ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की मदद की, जबकि अंग्रेज हमारे दुश्मन थे और उन्होंने भारत पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अंग्रेजों की मदद करना उस वक्त भारत और भारत की कंपनियों की मजबूरी थी। अगर टाटा स्टील उस वक्त अंग्रेजों की मदद ना करती तो ये भी मुमकिन था कि अंग्रेज टाटा स्टील की सभी खदानों पर कब्जा कर लेते और उन्हें वहां से बाहर खदेड़कर खुद स्टील के प्रोडक्शन पर काम शुरू कर देते, जिससे उनका काम तो चल जाता लेकिन भारत के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता। साथ ही अगर अंग्रेजों के हाथ में स्टील प्लांट आ जाते तो कभी भी इन कर्मचारियों को ये बेनिफिट्स ना मिलते जो उन्हें टाटा के साथ मिले। और ये भी मुमकिन था कि दुनिया के बाकी वर्कर्स की तरह टाटा स्टील के वर्कर्स की हालत भी खराब हो जाती। इसका एक नुकसान ये भी था कि हो सकता है कि वो टाटा ग्रुप को ही बैन कर देते, उनकी सभी कंपनीज पर कब्जा कर लेते। टाटा स्टील के अलावा टाटा पावर, जो भारत भर में बिजली पहुंचाने का काम करती थी, और टाटा टेक्सटाइल, जो दुनिया भर में एक भारतीय ब्रांड के रूप में जानी जाती थी, वो भी बंद हो जाती। सोचिए, अगर ये सभी कंपनियां ना होती तो जब भारत आजाद होता तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को कौन संभालता। इसीलिए टाटा को देश के खिलाफ या अंग्रेजों का दोस्त बताना एक बड़ी भूल है। आज दुनिया भर में टाटा ने भारत को एक ऊंचा मुकाम दिया है। ये भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी और सातवां सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। टाटा स्टील आज 26 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रही है और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज में भी शामिल है। टाटा स्टील में इस वक्त 80,500 लोग काम करते हैं और इस बड़ी वर्कफोर्स को काम देने के अलावा स्टील इंडस्ट्री भारत की जीडीपी में 2% कंट्रीब्यूट करती है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा टाटा स्टील का ही है, जो कि भारत में स्टील की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। जमशेद जी टाटा जो नींव बनाकर गए थे, उस पर उनके बेटे दारोब जी, फिर जेआरडी टाटा और फिर रतन टाटा ने जो एम्पायर खड़ा किया है, दोस्तों उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।